Good morning, dear students. How are you all? Today we are going to do story sums. It is on page number 105. जो हमारा पेज नंबर 105 है जूनियर मैथ्स 2 का, उसमें हम लोग ये स्टोरी सम्स करने वाले. फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल है, दो वी रीड द स्टोरी. नंबर वन इज वरुण बॉट काइट्स फॉर ₹7.50 की वरुण ने काइट्स खरीदी. ही गेव द शॉपकीपर ₹10. अब ₹10 उसने शॉपकीपर को दिया है. हाउ मच मनी डिड द शॉपकीपर रिटर्न. अब ₹10 इज मोर देन ₹7.50, तो अब शॉपकीपर को कुछ मनी तो रिटर्न करनी होगी. हमें यही पता लगाना है कि कितनी मनी वो रिटर्न करेगा. ये देखिए सॉल्व है, ये जीरो है और 10 बनाया है, फिर उसको 9 बनाया है और 9 उसको 0 को 9 बनाने के लिए हमने 1 को भी कट किया है, तो कितना आंसर आया, ₹2.50 जो है शॉपकीपर वो रिटर्न करेगा वरुण. नाउ वी विल डू द सेकंड स्टोरी सम. नंबर टू इज मेधा हैड ₹100. कितने पैसे हैं बच्चों, मेधा के पास कितने रुपीज है, ₹100. एंड शी गेव हर सिस्टर ₹70.50 उसने अपनी सिस्टर को दिए हैं. हाउ मच मनी शी हैज डज शी हैज नाउ. अब हमें क्या करना होगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, सब्ट्रैक्ट. इस तरह की जब स्टोरी सम्स आती हैं, मैंने ये एग्जाम्स में भी देखा था, बच्चे ये ध्यान नहीं रखते हैं कि ग्रेटर नंबर और लेसर, बड़ा नंबर छोटा नंबर जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे छोटा नंबर ऊपर लिख के बड़े को नीचे रख के फिर आप माइनस कर रहे हैं, ये रॉन्ग मेथड है. आपको यहाँ ध्यान रखना है ज्यादा मनी किसके पास है, मेधा के पास, तो हमें उसको जो हमारे पास मनी ज्यादा है उसको ऊपर रखना है और जो कम मनी है उसको हम नीचे रख के फिर सब्ट्रैक्ट का साइन करा के लगा के उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये आपको बहुत ध्यान रखना है. रुपीज के नीचे रुपीज लिखने हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं वो पैसे होते हैं, पॉइंट से पहले वाले जो नंबर होते हैं वो रुपए होते हैं. पहले हमें पैसे सॉल्व करने हैं फिर रुपीज का आना, वही वंस प्लेस वाला सिस्टम है. तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 - 0 = 10. 0 को हमें 10 बनाना है, 10 - 5 = 5. कुछ तो आपको याद हो जाना चाहिए कि जब इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास. नाउ यहाँ 0 है, हमने इसको 9 बनाया और यहाँ भी 0 इसको 9 बनाया, हम इनसे हमने बोरो किया, तो 9 से जब 0 निकलेगा तो यहाँ आएगा 9. 9 से जब 7 हम लोग निकालेंगे तो यहाँ आएगा 2. तो आंसर आया आपका 29 रुपीज 50 पैसे उसके पास जो बचे हैं मेधा के पास, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर को ₹70.50 दिया. अगर ओनली ₹70 देती तो ₹30 बचते, पर 50 पैसा दिया है इसलिए उसके पास ₹29.50 जो है मेधा के पास है. चलिए अब हम आते हैं थर्ड नंबर. नाउ इट इज द नंबर ऑफ थर्ड स्टोरी. जैक हैज ₹250, जिल हैज ₹73.50 लेस देन जैक. हाउ मच मनी डज जिल हैव. जैक एंड जिल दो हैं यहाँ, बॉय एंड गर्ल. जैक के पास ₹250. और जिल के पास क्या है, लेस देन जैक. कितना लेस है, 73.50 लेस देन जैक. अब हम करेंगे वही, 250 पैसे हमारे ज्यादा है 73 रुपीज से, तो 250 पैसे नहीं है, फिर आपको पॉइंट लगा के 0-0 लगाना है. यहाँ पैसे और यहाँ नहीं है तो आपको पॉइंट लगा के 0-0 लगाना नहीं है. अगर एक जगह आपको पैसे दिए हैं तो फिर ये रुपीज लिख दिया हमने पहले, फिर ये रुपीज लिखा. अब यहाँ डिजिट के नीचे डिजिट रखते हुए ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे पहले तो आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा. ये अगर आपने 73 यहाँ लिख दिया, पॉइंट लग गई प्लेस कर दिया 50 तो पूरा रॉन्ग है, आप कितना भी अच्छे से सब्ट्रैक्शन जानते हैं.
प्लेस करना नंबर्स को, नंबर्स के नीचे पॉइंट को पॉइंट के नीचे प्लेस करना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सब्ट्रैक्शन का। जब भी आप करेंगे डेसिमल कि आप अगर सही तरीके से नंबर्स प्लेस नहीं करेंगे, प्लस वैल्यू के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेस है ना, तो आपको उन प्लेस के उसकी प्लेस के नीचे रखना है। डिजिट के हिसाब से समझे, पॉइंट के हिसाब से समझे, नंबर्स को रखना भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले हमें इसको सही से अरेंज करना है। अब यहाँ जीरो माइनस जीरो, अब जी ऊपर टेन, यहाँ नाइन, टेन में से फाइव गया फाइव, पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने सब्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ गए, हमने पॉइंट लगाना भूल गए, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना। नाइन से थ्री गए तो सिक्स, अब यहाँ फाइव से सेवन नहीं जाएंगे, इंग्लिश लेसर देन, तो यहाँ फिफ्टीन से सेवन, सॉरी इसको फोर बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हमने इसको नाइन बनाया है, फोर तो है ये फोर्टीन, फोर्टीन से सेवन गए सेवन और ये वन, तो हमारा आंसर आया 176.5। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, रवि बॉट अ बॉटल ऑफ सॉस एंड गेव द शॉपकीपर अ 200 रुपी नोट। तो सॉस की बॉटल के लिए रवि ने कितने दिए हैं, रुपीज 200। द शॉपकीपर रिटर्न रुपीज 25 and 50 पैसा। हाउ मच डिड द सॉस कॉस्ट। अब सॉस की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो शॉपकीपर ने रिटर्न कितने कर दिए, 200 रुपीज दिए, रिटर्न कर दिए 25.50 कॉस्ट ऑफ सॉस, ये हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। अब 200 में से हमें क्या करना होगा, जो ये रिटर्न किए हुए जो मनी है उसको माइनस करना होगा। जब हम इस रिटर्न मनी को माइनस कर देंगे, इट मीन्स हमारी जो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सॉस। तो इसको सबसे पहले तो लिखने का तरीका, रुपीज लिखा 200.00 रुपीज, ये बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये ध्यान रख लिया तो पूरा आपका अरेंज सही होगा, ये माइनस, ये तो आपका आई रहा है 50 पैसा आ रहा है, तो 10 में से 5 तो आपको लर्न ही हो गया होगा। ये यहाँ आपको बनाना है 9, यहाँ भी 9, 9 में से 5 निकलेंगे तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया 4, 9 में से 2 7 और इसको 1 बनाया तो ये हो गया हमारा 174 रुपीज एंड 50। ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ सॉस। जब बहुत ज्यादा जीरो होते हैं तो ये थोड़ा ध्यान से आपको इसको सॉल्व करना है। 10 दिया था यहाँ जीरो को, हमने 9 बनाया, अब यहाँ इस 10 बनाने के लिए हमने इससे भी बोरो किया, फिर यहाँ जीरो तो इससे भी बोरो किया, ये थोड़ा जीरो वाले थोड़े से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। फिर हम आते हैं फन कोला, क्वेश्चन नंबर 5, फन कोला वाला जो एडिंग मनी वाली स्टोरी समझती उसमें भी था। अ बॉटल ऑफ फन कोला कॉस्ट रुपीज 23.50, इट यूज टू कॉस्ट 5 रुपीज लेस, व्हाट वाज इट्स ओल्ड कॉस्ट। अब उसकी पुरानी कॉस्ट क्या है, फन कोला की जो बॉटल है वो 23 रुपए और 50 पैसे की है, 5 रुपीज लेस है ना, तो क्या है ये कॉस्ट, इसकी 5 रुपए कम है, तो पुरानी जो कॉस्ट है उसको हमें निकालना है। तो चलिए फन कोला की जो बॉटल है उसकी कॉस्ट क्या है, अभी रुपीज 23.50, ये क्या है 5 रुपी लेस है, पहले आती थी, अब इसकी ओल्ड कॉस्ट निकालनी है, तो ये सॉरी कॉस्ट निकालनी है, ये अभी के पैसे हैं और पहले कितने में आती थी, 5 रुपीज लेस थे इसके, तो चलो ओल्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं, ये रुपीज लिख दिया 23.50, ये रुपीज लिख दिया 5.00, पैसे नहीं है हाँ? चलो ये हो गया, तो जीरो में से जीरो 5 पॉइंट लगा दिया है 13 में से 5 निकले हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे 8,
और ये तो पुरानी कॉस्ट क्या थी इसकी 18 रुपीज 50 पैसे। ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका आप सेल्फ करेंगे। इतना सारा मैंने करवाया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 तक 6 सेल्फ करेंगे और इसको अभी बुक में ही सॉल्व करेंगे। फिर आपको जो कॉपी में आपको करना है 2, 4 एंड 6 कॉपी। ओके okay?